हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिच वीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट एविएशन जायंट एयरबस ने भारत में 8 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया है, जहां पर एयरबस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में टाटा ग्रुप के साथ कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर्स द H125 मैन्युफैक्चर करेगी एंड कंपनी इसकी प्रोडक्शन 2026 तक शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में एयरबस की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में होने वाली कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, एयरबस शॉर्टलिस्ट्स 8 लोकेशंस टू सेट अप फाइनल असेंबली लाइन इन इंडिया। सबसे पहले एयरबस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। एयरबस यूरोप की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट मेकर है आफ्टर बोइंग एंड ओन बाई द जर्मन, फ्रांस, स्पेनिश, यूरोपियन एयरोनॉटिक्स डिफेंस एंड स्पेस कंपनी EADS एंड ओन बाई द जर्मन, फ्रांस, स्पेनिश, यूरोपियन एयरोनॉटिक्स डिफेंस एंड स्पेस कंपनी EADS विद एन 80% इंटरेस्ट एंड ब्रिटेन्स BAE बेस सिस्टम विद 20% शेयर एंड इसको 1970 में एज ए कंसोर्टियम मतलब ग्रुप ने फॉर्म किया था। तो यूरोप की एविएशन जायंट एयरबस कंपनी ने इंडिया में 8 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया है एंड द फाइनल डिसीजन जो इंडिया के लिए मोस्ट सुटेबल फर्स्ट एविएशन असेंबली लाइन प्राइवेट सेक्टर में लिया जाएगा एंड कंपनी की असेसमेंट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। देखिए एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस करंटली 3 देशों में है, फर्स्ट फ्रांस, सेकेंड US एंड थर्ड ब्राजील। एंड एयरबस कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी इंडिया में ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर, सेल, सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स एंड सपोर्ट सॉल्यूशंस इंडिया में ही करना चाहती है अंडर मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस। देखिए शुरुआत में कंपनी इंडिया में 10 H125 हेलीकॉप्टर पर ईयर प्रोड्यूस करेगी एंड जैसे जैसे डिमांड में ग्रोथ होगी तो इसकी प्रोडक्शन को और भी इंक्रीज किया जाएगा। देखिए रिसेंटली एयरबस ने टाटा ग्रुप के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी, जिसके अंडर में एयरबस एंड टाटा ग्रुप कॉमर्शियली मोस्ट सक्सेसफुल H125 हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, जो 6 लोगों को कैरी कर सकता है एंड इसकी सीट्स कॉन्फ़िगरेशन 10 मिनट्स के अंदर चेंज की जा सकेंगी। अकॉर्डिंग टू एयरबस हेलीकॉप्टर्स हेड इन इंडिया एंड साउथ एशिया सनी गुगलानी, पिछले 20 सालों में इस रीजन में प्रोजेक्टेड डिमांड फॉर 500 H125 क्लास सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स की है एंड मार्केट इज कंस्ट्रेंड ऑन सप्लाई साइड व्हाइल डिमांड इज ग्रोइंग सेज गुगलानी, जबकि पूरी दुनिया में 4,300 H125 हेलीकॉप्टर्स करंटली फ्लाई कर रहे हैं एंड इंडिया, साउथ एशिया कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल में नियरली 350 सिविल एंड पैरा हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं एंड लेस देन 250 करेंटली इंडिया में सर्विस दे रहे हैं एंड H125 हेलीकॉप्टर्स कई पर्पज में यूज किए जा सकते हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज, कॉमर्शियल बिजनेस ऑपरेशंस, टूरिज्म एंड एरियल लॉ इन्फोर्समेंट। एंड जो भारत में H125 हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा टूरिज्म के पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं एंड एयरबस जो H125 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में प्रोड्यूस करेगी उसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में उसमें मेजर इंटीग्रेशन किए जाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट्स, असेंबलीज, एवियोनिक्स एंड मिशन सिस्टम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हार्नेसेस, हाइड्रोलिक सर्किट्स, फ्लाइट कंट्रोल्स, डायनेमिक कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम एंड द इंजन एंड टेस्टिंग के अलावा क्वालिफिकेशन एंड डिलीवरी टू द कस्टमर्स। एयरबस कंपनी के अकॉर्डिंग बेसिक मॉडल ऑफ एन H125 हेलीकॉप्टर की कॉस्ट अराउंड 3.2 मिलियन यूरोज की होगी एंड इंडियन बायर्स इसे रुपीज में भी खरीद सकेंगे एंड एयरबस इज ऑल्सो सेटिंग अप ए फाइनल असेंबलीज लाइन इन पार्टनरशिप विद टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एट वडोदरा टू मैन्युफैक्चर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स
तो फ्रेंड्स ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।